सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में है तो भूल करके भी ये गलती ना करें, वरना कहीं ना कहीं आपका करियर स्पॉयल हो जाएगा। और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कई सारी ऑब्जर्वेशन और कई सारी कंसल्टिंग के बाद ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें पॉलिटेक्निक के बारे में, बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक का बहुत सारी चीज़ों में कमांड है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। सो फर्स्ट ईयर की हम बात कर लें तो फर्स्ट ईयर में लोग भटकते बहुत जाते हैं। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनल ईयर के सपने देख लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो। पहला सेमेस्टर है, पूरी अच्छे तरह से सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करो, फुल एन्जॉयमेंट के साथ अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, अपने सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं सेमेस्टर एग्जाम में फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आप फेल हो गए सेमेस्टर एग्जाम में तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी पता नहीं चलेगा कि भाई ये चीज़ कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ गई। सो सेमेस्टर एग्जाम में फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो पहले सेमेस्टर में तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बिल्कुल ना करें। रही दूसरे सेमेस्टर की बात, तो दूसरे सेमेस्टर में आप प्लान बना सकते हो। अगर पहला सेमेस्टर आपका अच्छा हुआ तब, पहला सेमेस्टर अगर बैक लग गई है तो दूसरे सेमेस्टर में भी आप प्लान मत करो कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। पहले उस बैक को क्लियर करो और अपना सेमेस्टर क्लियर करो। अगर दोनों सेमेस्टर क्लियर हैं फिर आप प्लान बनाओ कि हाँ भाई थर्ड सेमेस्टर से हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है तो आप सेकंड सेमेस्टर से भी प्लान बना सकते हो। ऐसा नहीं कि सेकंड सेमेस्टर से नहीं प्लान बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन वो प्लान धीरे धीरे एग्जीक्यूट करिए, धीरे धीरे चीज़ें देखिए। बहुत सारे लोग अनसॉल्व लेके बैठ जाते हैं, सीधे तैयारी होगी नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर पूछता है, उसमें अनसॉल्व लेके बैठ जाएंगे, दिखेगा ही नहीं क्या पूछा, कैसे पूछा है, बड़ा परेशान होंगे, चीज़ें बड़ी मुश्किल दौर से गुजरती हैं। सो गाइज, ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में रुकावट पैदा करती हैं। रॉन्ग डिसीजन कहीं ना कहीं आपके करियर को स्पॉयल करता है। कहीं ना कहीं आपका करियर जाना कहीं और था, चला कहीं और जाता, होना कुछ और था, हो कुछ और जाता है। ऐसे में आप बहुत सारे मल्टीपल रॉन्ग डिसीजन लेते जाते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक चैलेंज बन के खड़ी हो जाती हैं। अगर आप उन चैलेंजेस को ख़त्म करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों से डील करना चाहते हो, तो जो टिप्स मैंने बताई है इसका सही यूटिलाइजेशन करिए। हमेशा ट्राई करिए कि जो सिलेबस है पॉलिटेक्निक का वो ज़रूर पढ़ें। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कवरअप करते हो तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब की रेस से पहले ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन की जाती हैं। तो जब आप उस रेस में ही नहीं हो, उस रेस में आप आना ही नहीं चाहते हो, तो कैसे आपका करियर आगे जाएगा, किस तरह से आप अपने करियर को आगे लेके जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। गाइस देखो, मेरा काम था एग्जैक्टली आपको समझाना और आपका काम है उस पर एक्शन लेना। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी जाके जुड़े, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।